और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की, नवरात्र स्पेशल वास्तु में आज महाअष्टमी के दिन हम बात करेंगे कुमारिका भोजन की। निर्णय सिंधु और दुर्गार्चन पद्धति में कुमारिका भोजन का विधान बताया गया है। कुमारी भोजन के 5 हिस्से हैं। पहला, आई हुई कन्याओं के हाथ पैर धुलाना, फिर उनके मस्तक पर टीका लगाना, उनका नीराजन करना, उन्हें भोजन कराना, उन्हें दक्षिणा देना और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन सब कार्यों के लिए एक उचित दिशा निर्धारित है। उसके अनुसार पूर्व की ओर मुख करके कन्याओं को अर्घ्य और पानी देना चाहिए, दक्षिण पूर्व की ओर मुँह करके नीराजन करना चाहिए, उत्तर पूर्व की ओर मुँह करके उन्हें टीका लगाना चाहिए, सम्मुख होकर उन्हें भोजन देना चाहिए, ऊर्ध्वमुख यानी ऊपर की ओर देखकर दक्षिणा देनी चाहिए और अधोमुख होकर यानी पृथ्वी को देखते हुए आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। इस तरह उचित दिशा के अनुसार सारे कार्य करने से वास्तु के शुभ फल प्राप्त होते हैं और कन्याएं आनंद से भोजन ग्रहण करती हैं, जिससे घर में भी सब आनंद ही आनंद होता है। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा चैत्र नवरात्र के महाअष्टमी के दिन कुमारिका भोजन की। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। यहाँ एक छोटी सी बात, एक अब्दुल रहीम खान खाना आप जानते हैं, आप सब जानते हैं, बड़े दानी थे। तो जब वो दान देते थे तो मुंह ऊपर, ऐसे हमने कहा ना कि मुंह ऊपर की ओर करके दान देना चाहिए और मुंह नीचे की ओर करके आशीर्वाद लेना चाहिए। तो वो जब भी दान करते थे तो मुंह नीचे कर लेते थे। तो एक बार किसी ने पूछा कि भाई तुमने क्या किया है, ऐसा ऐसी क्या बात है कि ताते नीचे नैन, तुम्हारी आँख नीचे क्यों है? तो उन्होंने जो जवाब दिया बड़ा माकूल था। देनदार कोई और है, भेजत है दिन रैन, देनदार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पे करें ताते नीचे नैन। अरे देने वाला तो ऊपर बैठा है, वो रोज भेज रहा है, इतना भर भर के भेज रहा है और मैं जो बांट रहा हूँ तो लोग समझते हैं मैं बड़ा दानी हूँ, इस शर्म के मारे मेरी आँखें नीचे। तो देखो, आँखों को ऊपर उठाना, मुँह को ऊपर उठाना, आँखें नीचे करना, ये तमाम चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये व्यवहार शास्त्र में भी है, ये हमेशा से पाई गई है और इससे लाभ होता है। इसलिए हम आपको रोज रोज छोटी छोटी चीजें बताते हैं और ये शास्त्रोक्त है, ये अपने मन से नहीं बताते। और अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।